वंस अगेन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से, और सुबह ही सारा घर का काम मैंने कर दिया है और अब मैं भी बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। और अर्श की है आज छुट्टी, आज इसकी लास्ट छुट्टी है, कल ये जाएगा स्कूल। और अभी मुझे बनाना है लंच, तो लंच में आज मैं बना रही हूँ स्पेशल लंच थाली, क्योंकि अर्श का डिमांड है कि मम्मा अच्छा अच्छा खाना है। तो आज मैं बनाऊंगी राजमा और कैप्सिकम पनीर की सब्जी। किचन में तो सबसे पहले मैंने रख दिया है पैन, उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मुझे पहले बनानी है कढ़ाई पनीर की सब्जी के लिए करनी है तैयारी। तो ऑयल जैसे ही मेरा गर्म होगा तो उसमें मैं डाल दूंगी कुछ जीरा और कुछ सूखा धनिया साबुत, और जैसे ही वो चटकेंगे उसमें मैंने कुछ कटे हुए दो तीन टोमेटो रख लिए थे, वो भी मैं इनमें डाल दूंगी और अच्छे से इनको मिला लूंगी। और उसके बाद मैं डालूंगी उसमें काजू, और कुछ मेरे पास तिल के सीड्स थे वो मैंने इसमें डाल दिए और इन सबको अच्छे से मिला दिया। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है, 4-5 मिनट मैं इनको कुक होने दूंगी। और दूसरी तरफ मेरे बॉयल्ड हो गए हैं राजमा, तो मैं अब राजमा हम बनाने की तैयारी तब तक कर लेती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल डाल के रख दिया है, हो गया। और इसमें मैंने सूखा धनिया और जीरा डाल दिया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो साथ में ही मैंने रख लिया है पैन, उसमें जो मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, काजू वगैरह सब डाला था वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया। उनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि उनका मुझे बनानी है प्योरी। और मैंने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है थोड़ा सा, और अब मैं इसमें शिमला मिर्च को अच्छे से भून लूँगी। और जैसे शिमला मिर्च मेरे अच्छे से भून जाऊँगी, फिर मैं पनीर को भी थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं शिमला मिर्च और पनीर को फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। तो मैंने सोचा कम तेल डाल के पहले मैं अच्छे से बीच बीच में चलाती रहूँगी और शिमला मिर्च को अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद पनीर को भी इसी में ही रोस्ट कर लूँगी। तरफ मेरा राजमा का मसाला भी रेडी हो रहा था, बीच में मैंने टोमेटो भी ऐड कर दिए थे, शायद वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो जब मेरे टोमेटो और प्याज अच्छे से भुन गए और अच्छे से उनका मसाला रेडी हो गया, आप देख ही रहे हैं कि कढ़ाई से तेल छोड़ रहे हैं, तो मसाला मतलब अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें राजमा को भी ऐड कर दूंगी। राजमा भी मैंने इसमें डाल दिए और जितना पानी चाहिए था उतना डाल दिया। अब 4-5 मिनट के लिए मैं कवर करके उनको रख दूंगी। प्याज ऐड कर दिया था, और जैसे ही मेरा प्याज हल्का हल्का भुन जाएगा तो मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी टेस्ट अनुसार। और हल्दी को भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें डालूंगी नमक, और जैसे नमक भी भून जाएगा थोड़े से मसाले भी डालूंगी, और फिर इन सबको अच्छे से मिला लूंगी और इनको थोड़ी देर चलने दूंगी। और जो बेसिक मसाले हैं वो भी मैंने इसमें सब ऐड कर दिए। प्योरी बना दी है, इसको इसमें ऐड कर दूंगी, और इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा दूध। पनीर की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको थोड़ी गीली चाहिए ना, तो जब आप इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दूध मिला लीजिए, फिर पनीर और कैप्सिकम को भी उसमें पकने दीजिए। बिल्कुल ढाबा स्टाइल कैप्सिकम पनीर की सब्जी बनके रेडी होगी, और मेरी सब्जी भी बनके रेडी हो गई है। इसकी सब्जी भी बन गई है और राजमा भी बन गए हैं। और अब साथ में बना रही हूँ मैं जीरा राइस, तो मैंने घी डाल दिया है, अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा और चावल भून लूंगी। चावल भी मैंने घी में अच्छे से भून लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, थोड़ी सी इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी। ये बनके रेडी हो गई, और काटूंगी मैं सैलेड और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। सैलेड भी मेरा कट गया, अब मैं कर लेती हूँ और काम रहा है टीवी। और जब तक चावल होएंगे तब तक मैं कपड़े कर लेती हूँ प्रेस, बहुत सारे कपड़े मेरे को आज प्रेस करने को हैं। मेरा रेडी है, जब अनुज आएंगे तो फटाफट से चपाती बनाऊंगी। सारे कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए, अब इनको उठा के रख देती हूँ। भी आ गए हैं और मेरा लंच भी बन के बिल्कुल रेडी है। और अर्श देखो अब फोन लेके बैठ गया, पापा आए नहीं और फोन इसने एकदम लिया नहीं,
तो अब मैं इनको देती हूँ फटाफट से लंच। और थाली मेरी लग चुकी है जिसमें आज आपको पता ही है मैंने क्या क्या बनाया, कैप्सिकम पनीर जी और राजमा सैलेड चावल और साथ में सिंपल परांठा। तो अभी इनको देती हूँ, अब मैं इनको पूछती हूँ कैसा बना लंच, कैसा बना है? बढ़िया, टेस्टी, मस्त मस्त। सब्जी कैसी बनी है? सब्जी मैंने ट्राई, ये सब्जी तो ट्राई कर ली मैंने। हाँ। पनीर कैप्सिकम मस्त बना है। ओके, कढ़ाई पनीर बना दिया मतलब आज होटल जैसा है। अब राजमा चावल ट्राई करते हैं। ये ठीक है, बढ़िया। नमक? नमक भी ठीक ही है। आज खाओ बेटा। हाँ लो। तो अब मैंने भी अपनी थाली लगा ली है और मैं भी टेस्ट करती हूँ। मैं अपनी थाली बचा लूँगी। तो अभी फ्रेंड्स बज रहे हैं शाम के 5 और लंच किया उसके बाद थोड़ी देर सो गए थे, फिर आर्श को थोड़ा पढ़ाया, होमवर्क वगैरह करवाया और अब जा रहे हैं हम घूमने और आर्श भी चला गया है, उसने भी शाम को खेलना होता है। तो अभी चलती हूँ थोड़ा। फ्रेंड्स तो बॉक्स से आके मैंने लंच भी बना दिया, लंच नहीं बनाया सिर्फ चपातियाँ बनाई और अब मैं क्या बोल रही हूँ, लंच नहीं सॉरी डिनर। लंच तो मैंने इनको दोपहर में खिला दिया था, डिनर भी बना दिया और सब्जी मेरे पास बच गई थी काफी, तो मैंने सिर्फ चपातियां बनाई और अभी इनको थालियां लगा के दे भी दी है, लेकिन दोनों जो है ना अपने काम में लगे हुए हैं, हट नहीं रहे। अब इनका क्या किया जाए, फोन में बिजी है एक लैपटॉप में। भाई खाना ठंडा हो जाएगा, आओ तो वो फिर खाते हैं। हाँ मैं आ जाऊंगी। अर्श खाओ, नया कुछ नहीं बनाया है मैंने, कढ़ाई पनीर और राजमा दोपहर का ही है। तो अभी लंच से सब्जी बच गई थी तो भाई खराब थोड़ी करनी है। हाँ तो खाओ। आज मैंने इनको डिनर दे दिया है, अब ये भी करेंगे डिनर और मैं भी करती हूँ डिनर और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।